सरसों में अगर हम समय सामय की गतिविधियों की चर्चा करें तो एक अगेती फसल जो किसान भाई सितंबर में लगाते हैं वो अभी पकने की अवस्था में, उसमें फलियां पूरी बन चुकी होगी। और आमतौर पर जब बादलवाई का मौसम होता है तो उसमें जो सरसों का तेला है उसकी समस्या आती है, तो तेले के रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 30 EC का 500 मिलीलीटर पर प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी हम बात करेंगे समय पर किसानों द्वारा बीजी गई सरसों की फसल की, तो समय पर बीजी गई फसल आमतौर पर जो अक्टूबर के माह में किसान भाई करते हैं, अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप 60 से 70 दिन की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पर और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर किसान भाई कर सकते हैं। और अगर तीन सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर, पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन पर और इसी तरह तीसरी सिंचाई जो है वो भी 30 से 35 दिन पर दूसरी सिंचाई के बाद करें। जो समय पर बिजाई की जाने वाली फसल में आमतौर पर सफेद रोली और जो है तना गलन की बीमारी का प्रकोप इसी समय शुरू होता है, तो सफेद रोली का प्रकोप आमतौर पर 50 से 60 दिन की फसल पर शुरू होता है और उसमें किसान भाई खेत में जाएं और खेत के पत्ते के निचले हिस्से पर देखें, अगर 10 पत्तों पे एक पर भी रुई नुमा धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब सफेद रोली की समस्या शुरू हो गई है। और उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो तुरंत रिडोमिल MZ जो वेटेबल पाउडर होता है उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करें और इसमें पानी की मात्रा किसान भाई 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी बीमारी का की समस्या दिखाई देती है तो 15 दिन के बाद रिडोमिल का या मैनकोजेब का एक स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो तना गलन की सरसों में आती है, जो बीमारी है ये आमतौर पर 70 से 80 दिन की अवस्था में शुरू होती है। जो किसान भाई पिछले कई सालों से तना गलन की समस्या अपने खेतों में महसूस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो 70-80 दिन की अवस्था पर फसल के 0.05 से 0.1% का घोल जो है कार्बेंडीजियम का वो 200 से 300 लीटर पानी में बनाकर अगर करते हैं तो तना गलन की समस्या से किसान भाई उसकी मुक्ति पा सकते हैं। एक समस्या जो पछेती बिजाई जो अभी किसान भाई जो नवंबर में कर रहे हैं उसमें पेंटेड बग या जिसको झारा या बगराडा भी कहते हैं, धोलिया भी कहते हैं, जिसमें पत्ते सफेद से हो जाते हैं, सूखते हैं, तो ये चितकबरा एक कीड़ा है जो आमतौर पर फसल की शुरुआती 4-5 पत्ते की अवस्था में नुकसान करता है। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 5% डस्ट का 8 से 10 किलोग्राम का धूड़ा इतनी राख मिलाकर सुबह के समय करें जब पत्तों पर ओस का गिलापन हो, या अगर ज्यादा प्रकोप हो तो उस अवस्था में मेलाथियोन 30 EC का 500 ml या डायमेथियोट का 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अभी पछेती बिजाई का भी कुछ समय है और आमतौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें किसान भाई अगर पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो वो पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28 तथा NRC HB 101 जो DRMR भरतपुर की किस्म है उनकी बिजाई कर सकते हैं।